हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंजीत कुमार टेक में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ 407 CNG BS6 के बारे में, और मैं भी यहाँ ब्रेकडाउन पे आया हुआ हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी जैसे ही मैंने इस गाड़ी का इग्निशन ऑन किया तो इसके मीटर प्लेट में कोई भी लाइट नहीं आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि बहुत से लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई गाड़ी का इग्निशन ऑन करने पर मीटर में लाइट नहीं आ रही, इसमें कौन सा फ्यूज लगा होता है, कहाँ लगा होता है, तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये है इसका कनेक्टर साइड में फ्यूज बॉक्स, इसमें इग्निशन से रिलेटेड फ्यूज लगे रहते हैं। तो ये फ्यूज बॉक्स का कवर है, इसके ऊपर भी सारा कुछ लिखा होता है कि कौन सा फ्यूज जो है किस चीज़ का है। ओके, तो मीटर में लाइट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मैं क्या क्या कौन से फ्यूज चेक करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले जो फ्यूज है वो है ये इग्निशन स्विच, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 एम्पियर का है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, और फिर उसके बाद में ये जो IC GPS बैटरी एंड EMS रिले लिखा है ये वाला फ्यूज चेक करना है। ओके, और फिर उसके बाद इसमें एक फ्यूज और होता है जिसमें BCM GPS लिखा है, ये भी अगर फ्यूज ब्राउन हो जाएगा तो भी आपके मीटर में लाइट नहीं आएगी। ओके, और कुछ फ्यूज जो होते हैं फ्रेंड्स बैटरी बॉक्स के पास में लगे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो फ्यूज चेक करने हैं वो कनेक्टर्स कंपार्टमेंट के ही फ्यूज चेक करने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके जो फ्यूज बॉक्स का कवर है इसको रिमूव कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ इसके ऊपर में एक ये टूल है जिसे फ्यूज हम निकाल के चेक करते हैं कि सही है ख़राब है, इससे आसानी होती है फ्यूज के निकालने में। ओके, तो सबसे पहले हम ये फ्यूज को चेक करेंगे नंबर बाई नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्यूज बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो जुड़ा हुआ है। अगर ये फ्यूज ख़राब होता तो इसके अंदर जो वायर है वो फ्रेंड्स वो कट जाता है। ओके, और उसके बाद हम दूसरा फ्यूज चेक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्यूज भी लगभग सही है। और यही सारे फ्यूज चेक करने के बाद अगर ये फ्यूज सही निकलते हैं तो फ्रेंड्स आपको फिर दो ही चीज़ चेक करनी है, पहला आपको बैटरी के पास जो फ्यूज है वो चेक करने हैं, और दूसरा अगर वो फ्यूज सारे फ्यूज सही हो फिर भी लाइट नहीं आ रही है आपकी गाड़ी में तो फ्रेंड्स आपको एक और बैटरी की वोल्टेज भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स बैटरी की वोल्टेज प्रॉपर ना होने की वजह से ये ऐसी समस्या आती है। ओके, तो यहाँ जो फ्यूज थे वो फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई ख़राबी नहीं है। ओके, तो मैं जो सेकंड फ्यूज बॉक्स है वो उसकी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ, ये इसका बैटरी बॉक्स, तो यहाँ बैटरी कसी हुई है। ओके, और जो फ्यूज बॉक्स है जो ये यहाँ नीचे की ओर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फ्यूज बॉक्स है, यहाँ पर भी फ्यूज लगे होते हैं, और इनमें से भी अगर कोई फ्यूज ख़राब हो जाएगा तो भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट नहीं जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बैटरी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्यूज हमें बिल्कुल सही पाए थे बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो बैटरी की है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी हुई है। ओके, और इसकी जो बैटरी की वोल्टेज है वो 2.69 है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्लस्टर में लाइट नहीं आ रही है।